बच्चों क्वेश्चन है, हमें एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहां पे हमारे पास ये सर्कुलर लूप है। सर्कुलर तो नहीं लग रहा ये, क्योंकि हम इसको एक दूसरे एंगल से देख रहे हैं। टॉप व्यू नहीं है इसका कि ऊपर से आप देखो आपको सर्कल लगे, आप साइड से देख रहे हो, साइड से देख रहे हो तो सर्कल ऐसा है, ठीक है। तो इसके एक्सिस पर, इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है पी, इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे आपने निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। हम इसके कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका हमने रेडियस ले लिया, मान लो इसका हम रेडियस ले लेते हैं कि इसका रेडियस है कैपिटल आर, और हमने जितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसके एक्सिस पे, वो जो डिस्टेंस है वो है सेंटर से एक्स, ठीक। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम बायो सेवेट्स लॉ लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए। हम क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं। अब आप कहोगे बायो सेवेट लॉ नहीं आता, तो फिर आपके लिए ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। बायो सेवेट लॉ के बेसिस पे ही हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो डीएल लेंथ का एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमने लिया है। करंट जो है इसमें इस डायरेक्शन में ही हम लोग मान लेते हैं, ऐसे करंट जा रहा है और ऐसे, मतलब आप समझो बात को कि ये ऐसे रखा है, तो आप ये मान लो कि आधा जो है ये प्लेन से बाहर है और आधा लूप जो है वो प्लेन के दूसरी तरफ है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर ये प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है लूप, यहां पे जो डीएल हमने लिया है ठीक उस पॉइंट पे जहां पर ये प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो डीएल की डायरेक्शन है ये अंदर की तरफ है। डीएल बहुत छोटा सा करंट एलिमेंट है, कहां पे हमने लिया है, जहां पर ये लूप इस बोर्ड को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे, तो अंदर की तरफ है डीएल की डायरेक्शन, ठीक। इस डीएल की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी, इस डीएल की वजह से इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके लिए हमें अगर बायो सेवर्ट लॉ लगाना है तो ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस क्लियरली ये आर है, ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां तक बिल्कुल चीजें क्लियर है। मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है वो फाई है, ये वाला जो एंगल है वो फाई है, ठीक। अच्छा, अब इस डीएल की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी, वो होगी बायो सेवर्ट लॉ हमने लगाया डीबी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहां पे क्या है, ये है, इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पर ये होगी किस तरफ, देखो अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये यहां पे डीएल क्रॉस आर होता है ना, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है भाई, ये सब आपको आना चाहिए पहले से। चलो नहीं आता तो मैं बता देता हूं, वेक्टर फॉर्म में डीबी वेक्टर जो है वो डीएल क्रॉस आर होता है, आर मतलब जो डिस्टेंस है, ठीक है। आर वेक्टर लेते थे ना स्मॉल आर से, वो ये वाला वेक्टर होता था, तो डीबी होता है डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर का मतलब है कि डीबी की अगर हमको डायरेक्शन निकालनी है तो हमें राइट हैंड थंब रूल लगा के चेक करना पड़ेगा कि डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन क्या होगी। डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन के लिए आपको अपना राइट हैंड जो है वो इस तरीके से रखना है डीएल पे कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो आर की तरफ घूम जाएं, है ना। अब हमारा डीएल जो है वो अंदर की तरफ है, हमारा डीएल अंदर की तरफ है, ये रहा हमारा डीएल, ठीक है। और आर हमारा ये है हमारा आर, ये समझ गए, ये डीएल अंदर की तरफ है, आर ये है। आप इमेजिन करो एक वेक्टर अंदर की तरफ है और इसकी तरफ फिंगर्स घुमानी है, तो ऐसे हाथ जाके इस तरफ ऐसे फिंगर्स घूमेंगी, तो थंब किधर आ रहा है, थंब हमारा ऐसे। तो इसका मतलब है कि ये जो है यहां पे जो डीबी होगा वो यहां पे होगा इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से जो डीबी होगा वो ये होगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर आप इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे, ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पे और ठीक यहां पे, मतलब जहां से ये बाहर आ रहा है, यहां पर आप एक और डीएल ले लो, यहां पे अगर आप एक और डीएल ले लो, तो उस वाले डीएल
के लिए भी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मैग्नीट्यूड में तो वो यही होगी क्योंकि सिमिट्री बन रही है, ये डिस्टेंस भी उतना, आर उतना, सब कुछ सेम। लेकिन उसकी डायरेक्शन कहां होगी? उसकी डायरेक्शन जब आप यही रूल लगाओगे जो अभी आपको बताया है, उसकी जो डायरेक्शन है वो होगी ये। देखो अगर आपको ये डायरेक्शन समझ में नहीं आई तो आप ये समझ जाओ कि आपको वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं आता। वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाया गया था क्लास 11th में, जो हमने नहीं पढ़ी सर, तो वो भी डीबी होगा और वो इस तरफ होगा। अब आप जानते हो कि डीबी का अगर हम इंटीग्रल लेंगे तो हमें पूरे एक ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, लेकिन 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 जब आपकी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है और आप उसको इंटीग्रेट करते हो तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि सारे के सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। मतलब आप इन दोनों को अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है यार? सबको जोड़ना। और वेक्टर्स जुड़ते तभी हैं जब वो सेम डायरेक्शन में हो। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके अभी डीबी का इंटीग्रल यानी पूरा बी नहीं निकाला जा सकता। तो हम लोग क्या करें? हम करेंगे इनके कॉम्पोनेंट्स। जरा कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं इसके हम। इसका एक ये वाला कॉम्पोनेंट बनाते हैं, देखते हैं कॉस कॉस होगा कि साइन होगा। ये वाला कॉम्पोनेंट बनाते हैं, एक ये वाला कॉम्पोनेंट बनाते हैं, ये वाला कॉम्पोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो हमने ये इस वाले डीबी के दो कॉम्पोनेंट बनाए, एक इधर और एक इधर, और ये वाले डीबी के दो कॉम्पोनेंट बनाए, एक इधर एक इधर। अब देखते हैं कौन सा कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट है, कौन सा साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट है। तो ये वाला एंगल है फाइ, ये एंगल है फाइ, और ये पूरा है आपका 90। तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस फाइ, और ये पूरा भी है 90, तो ये एंगल आपका होगा फाइ। समझ गए? ये आपका पूरा 90 है, ये फाइ है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये 90 माइनस फाइ होगा, और ये पूरा भी 90 है, तो अगर ये 90 माइनस फाइ है तो ये वाला एंगल फाइ होगा। इसलिए आपका इस वाले डीबी का जो ये वाला कॉम्पोनेंट है वो डीबी कॉस फाइ होगा, और इधर वाला जो कॉम्पोनेंट है वो डीबी साइन फाइ होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी आपका फाइ आएगा, और ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा डीबी कॉस फाइ, और इसका भी इधर वाला जो कॉम्पोनेंट है वो क्या हो जाएगा डीबी साइन फाइ, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो डीबी है उसकी वैल्यू सेम है, तो डीबी कॉस फाइ और ये वाला डीबी कॉस फाइ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये डीबी साइन फाइ जो है वो सेम डायरेक्शन में है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। पर क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा? नहीं। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे तो वही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ना जो इस वाले डीएल और इस वाले डीएल की वजह से है। मुझे चाहिए पूरे लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या करें? अगर हम ऐसे जितने भी पेयर लेते हैं इस सर्कुलर लूप पे, जो कि इनफाइनाइट पेयर होंगे, एक यहां लिया एक उसके ठीक सामने लिया, एक यहां लिया एक उसके ठीक सामने लिया, एक यहां लिया एक यहां लिया, जितने भी पेयर होंगे सबका डीबी कॉस फाइव वाला कॉम्पोनेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा, और डीबी साइन फाइव वाला सबका कॉम्पोनेंट इधर होगा। हमने दो रैंडम पेयर लिए और उनका डीबी साइन फाइव इधर आ रहा है, तो सबका डीबी साइन फाइव इधर होगा। तो जो नेट फील्ड होगी ना यहाँ पे, जो बी होगी, वो होगी डीबी साइन फाइव वाले कॉम्पोनेंट का इंटीग्रल, डीबी साइन फाइव वाले कॉम्पोनेंट का इंटीग्रल, ठीक है। डी फाइव क्यों लिख दिया? डीबी साइन फाइव वाले कॉम्पोनेंट का इंटीग्रल, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अभी तक मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं कि ये कॉम्पोनेंट लिया, फिर ये वाले कैंसिल हो गए, फिर ये फाइनल ये क्यों आया, ये सारी आपको थ्योरी में लिखनी होगी जब आप ये डेरिवेशन करोगे। वहां पे टीचर को पता नहीं है, ठीक है, आपने बताना उसको। तो जब आप ये डेरिवेशन करोगे तो आप ये थ्योरी कहां से लाओगे? इसीलिए तो साथ में पीडीएफ दे रहा हूं। यहाँ पे तो आपने समझ लिया वीडियो में, अब पीडीएफ से देख के आपने उसको प्रिपेयर करना है कि हाँ ऐसा हमने एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। तो डीबी साइन फाइव वाले कॉम्पोनेंट का इंटीग्रल ले लो, और डीबी की वैल्यू जरा यहाँ पे रखो, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। देखो साइन थीटा क्या है यहाँ पे, जो बायो सेवर्ट्स लॉ है उसमें ये जो थीटा होता है ये डीएल और आर के बीच का एंगल होता है, तो डीएल ऐसे अंदर की तरफ और ये जो आर है हमारा वो इस वाले प्लेन में है, तो डीएल और आर के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, साइन 90 होता है 1, इसको हम छोड़ देते हैं, इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, ये 1 हो गया। म्यू नॉट आई डी एल बाय 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 4 पाई, म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू साइन फाई। साइन फाई देखो, ये तो डीबी की वैल्यू रखी है ना, तो ये साइन फाई तो बच गया। साइन फाई क्या होगा? साइन फाई होगा ये वाला एंगल फाई है ना, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटन्यूज,
तो साइन फाई होगा आर अपॉन ए। तो ऊपर एक आर रख दो और नीचे रख दो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो म्यू नॉट आई आर, इसका इंटीग्रल था ना, म्यू नॉट जो जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, नीचे 4 पाई कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर क्या हो जाएगा 3/2, वो भी बाहर गया। जो डिस्टेंस है एक्स वो भी तो कांस्टेंट है, बचा केवल डीएल का इंटीग्रल। डीएल का इंटीग्रल क्या होगा, डीएल का इंटीग्रल होगा 2 पाई आर। डीएल मतलब इस सर्कुलर लूप पे छोटी सी लेंथ, सर्कुलर लूप पे छोटी सी लेंथ, सारी लेंथ को ऐड करो डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, तो पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, अगले पेज पे लिखते हैं, म्यू नॉट आई आर 4 पाई। म्यू नॉट आई आर बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डीएल का इंटीग्रल। डीएल का इंटीग्रल होगा सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी के 2 पाई आर। म्यू नॉट आई आर बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। जो जो कट रहा है उसे काट दो, एक पाई से पाई कटेगा और 4 से 2 कटेगा, नीचे 2 बच जाएगा। तो बी हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन जो है वो हो गया, यहां तक आपने रिजल्ट देना होगा। एंड फॉर एन टर्न्स, एन टर्न्स के लिए अगर इस लूप में बहुत सारी टर्न्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, आप इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अगर एन टर्न्स हो तो यहां पे डायरेक्शन की भी बात कर ले, वो भी बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। यहां पे अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं ना यहां से करंट अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, तो मैं यहां से अगर इसको देख रहा हूं तो ऐसे है करंट, ऐसे मतलब ये जो है क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज इस तरफ से देखने पे करंट क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, ये सब जुड़ेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी ना, यानी टुवर्ड्स द लूप, यानी जिस तरफ से देखने पे, इसको नोट कर लेना, जिस तरफ से देखने पे लूप को, जिस तरफ से देखने पे करंट उसमें क्लॉकवाइज हो उस जगह पे टुवर्ड्स द लूप होती है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इसमें यहां से देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तो अवे फ्रॉम द लूप होती। आपने सिंपली यहां पे खड़े होके लूप में करंट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्व करना है, मोड़ना है, तो आपका थंब जिस तरफ आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आपने ऐसे, यहां पे मैं खड़ा हूं भाई, तो ऐसे 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 है ना करंट यहां से इधर से देखने पे, तो ऐसे मैं अपनी फिंगर्स को मोड़ू तो देखो थंब मेरा इस तरफ आ रहा ना, ऐसे ऐसे है ना करंट, ऐसे तो थंब इस तरफ आ रहा है, जबकि यही करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो मैं ऐसे मोड़ता फिंगर्स को तो इस तरफ आता। ठीक है, तो जिस तरफ से देखने पे लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द लूप होगी, और जिस तरफ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा वहां अवे फ्रॉम द लूप होगी। ए फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ए फॉर अवे फ्रॉम द लूप। ठीक, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पीडीएफ से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि बीच में बहुत कुछ यहां पे बताया गया है, तो उसको भी आपने लिखना होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो।